और बच्चा लोग कैसे हो सब? चलिए आज कुछ करते नई सी ट्रिक। तो हाँ बच्चों, ये स्वीट कॉर्न का इस टाइम सीजन है, हर जगह आपको ये स्वीट कॉर्न मिल रहे हैं। ये स्वीट कॉर्न आजकल बहुत यूज होते हैं, हर रेसिपी में इनका आजकल काफी यूज होता है और ये हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। हमें सीजनल सारी चीजें खानी चाहिए। अब इन स्वीट कॉर्न्स को, इन भुट्टों को हम दाने कैसे निकालें बिना किसी मशीन के, आज की रेसिपी में ये है खास। और एक बात, इस दानों को हम स्टोर करके कैसे रखें पूरे 6 से 8 महीने तक, तो चलिए चलते हैं, पहले इन्हें छील लेते हैं। तो लीजिए, भुट्टों को इस तरीके से हमने छील लिया। अब छीलने के बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस भुट्टे को 2 पीस में हाथ से करना है, इस तरीके से। अब आपको कोई नाखून नहीं, बिना चाकू के इस तरीके से दाने बहुत ही बढ़िया तरीके से निकलते जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से बताऊंगी, बिना टूटे ये दाने साबुत निकलेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए कितने आराम से इसके दाने निकलते चले जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताती हूँ। ये जो भुट्टे में लाइन सी होती है दानों की, एक लाइन को आप नाइफ से निकाल लीजिए। जैसे ही आपने एक लाइन को निकाला, अब दोनों तरफ से आप ट्विस्ट करते जाएंगे, एक ही टाइम में खूब खूब सारे दाने आपके निकलते चले जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका होता है भुट्टे को छीलने का। ये जो दुकानदार होते हैं ना, वो भी इसी ट्रिक से भुट्टे के दाने को छीलते हैं। पर हम घर में छीलें तो हमें बहुत ही कम रेट में मिलते हैं। अगर बाहर से छिले हुए या दाने निकले हुए लेते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। पहले हम सारे भुट्टों के हम दाने निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे भुट्टों के दाने मैंने निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम एक बार वॉश कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मैं रख रही हूँ एक पतीला, क्योंकि हम इसे फ्रोजन करने वाले हैं। पतीले में मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दिया है, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ नमक, यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून चीनी। ये चीनी हमारे स्वीट कॉर्न को मीठा तो करेगी, लेकिन लंबे टाइम तक मीठा करेगी, मतलब ये स्टोर भी करेगी। ये जो चीनी है ना, कभी भी भुट्टे को ख़राब नहीं होने देती है, इसे प्रिजर्वेटिव का काम करती है। हम कोई मार्केट की तरह अलग से प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, तो ये चीनी बहुत अच्छा काम करती है, इसे ख़राब होने से बचाती है। अब ये धुले हुए भुट्टे हम पानी में डाल देते हैं। यहाँ आप एक ट्रिक देखिए, ये जो भुट्टे हमने डाले हैं, सारे भुट्टे पतीले में नीचे बैठ गए हैं, ऊपर वही दाने जो थोड़े थोड़े टूटे हुए हैं। अब ये पहचान है कि ये भुट्टे के दाने कितने उबालने हैं हमें। 2-3 मिनट में आप देखेंगे धीरे धीरे सारे दाने ऊपर आते जाएंगे, ये हल्के होकर ऊपर आते जाएंगे और इनका कलर भी चेंज होता जाएगा, येलोइश कलर होता जाएगा। और हाँ, इन भुट्टों को जब तक आप उबाल रहे हो तब तक साइड से एक तैयारी कर लो, ठंडे पानी का एक बोल बना के रख लो, उसमें या तो बर्फ़ डालो या काफ़ी ठंडा पानी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पतीले से जब हम निकाल के इस ठंडे पानी में कॉर्न डालते हैं, होता ये है कि इसकी कुकिंग रुक जाती है, जिससे इनका ऐसा ही कलर रहता है चाहे आप कितने भी महीने इन कॉर्न को रखो। अब इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं या एक थाली में निकाल दीजिए। अब आपको इसे पैक करके रखना है, जैसे आप चाहें तो छोटे छोटे पाउचेस में रख सकते हैं, जब मन करे एक पाउच निकाला और सब्जी में या पिज़्ज़ा में आपने यूज़ किया, या फिर एक बड़े बॉक्स में डालते हैं, बड़ी पन्नी में बना के रख सकते हैं। आज मेरे पास छोटे छोटे जिप लॉक नहीं है, तो मैं एक बड़ी सी पन्नी में डालकर इसे स्टोर कर रही हूँ। अब इसे इस तरीके से पैक करके जब मैं रख दूँगी, तो ये आराम से नेक्स्ट सीजन तक आपके ये स्वीट कॉर्न बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। जब भी आपको यूज करना होगा, 5-7 मिनट पहले इनको निकाल लीजिए और बस इन्हें यूज कीजिए। आपको वही मिठास, वही टेस्ट मिलेगी, इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग होता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता, चाहे जितने महीने रख लीजिए। कैसी लगी आपको बच्चों मेरी ये ट्रिक? आपको यदि पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। आप इस रेसिपी को शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।